कितने की? 3 डब्बे दे दिए इसने। चलो आ जाओ, हैनर वगैरह वॉश कर लो। अच्छा चलो बता देना। अब एक काम करो, प्लेट्स ले आओ और हैंड वॉश करो और बैठो खाने के लिए। अच्छा इसी में ही फिर खा लो। स्पून ले लो। हाँ बेटा दरवाज़ा बंद करो, आ जाओ बच्चों खाना खा लो। ये आज जो है हमने खाना नहीं बनाया और हमने जो है बिरयानी बाहर से मंगवाई है बच्चों के लिए, क्योंकि आज सुबह से लाइट नहीं थी घर में। ये देख सकते हैं आप, मेरे कमरे में अंधेरा हो रहा है क्योंकि यहाँ का जो है फेस ख़राब हो गया है पूरे घर की। अल्लाह का शुक्र है लाइट आ गई, लेकिन मेरे रूम की जो है लाइट नहीं आई और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो रहा है। तो आज मैंने कुछ नहीं बनाया, सुबह से लाइट ही नहीं थी। फिर अब यह है कि मैंने बिरयानी मंगवाई है। सही है नबीरा? सही है, मिर्ची तो नहीं है? सही है तो अभी आपने खाई। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल अदर न्यू वीडियो। जी आप लोग कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी तो आज जो है मैंने आज खाना बिल्कुल भी नहीं बनाया था, क्योंकि सुबह से जो है लाइट चली गई थी, घर का फेस चला गया था और मेरे रूम की अब तक लाइट नहीं आई है। बाकी ये कि पूरे घर की आ गई है लेकिन मेरे रूम की नहीं आई है। तो मैं जो हूँ डिस्टर्ब हो गई थी काफ़ी और खाना जो है बना नहीं था, तो बस बच्चों को बिरयानी मंगवा कर खिलाई। और अब जो है मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ और डिनर में मैं आज बनाने वाली हूँ ड्राई चिकन चिली। जी तो ड्राई चिकन चिली के लिए मैंने चिकन तो है निकाल के रख दिया है, बाकी मैंने कहा चले सब्जियाँ काट लूँ और व्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि आज इतनी गहमा गहमी थी कि व्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाई प्रॉपर ठीक तरीके से। तो सोचा सब्जियाँ काटते काटते जो है आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी और ये है कि खाने की तैयारी भी हो जाएगी। और आप लोग बताएं आप सब लोग कैसे हैं और क्या मसरूफियात हैं आजकल और कैसा मौसम है आप लोगों की तरफ? यहाँ तो ये है कि अब थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं। कराची का मौसम तो आपको पता ही है कि गर्म ही रहता है तकरीबन, बस अभी है कि थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगती है, वही ठंडा गर्म मौसम हो गया और दोबारा से जो है सबको नज़लें ज़ुकाम ये सब कुछ बस शुरू हो गया है। अच्छा तो ये मैं काट रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आपको पता ही होगा कि चिली में जो है शिमला मिर्च जलती है, तो ये जो है मैं बारीक बारीक शिमला मिर्च काट रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ ड्राई चिकन चिली। तो उसमें जो है आप ऐसी चिली जो है यूज़ होती है, और जो हम चिकन चिली जो हम ग्रेवी वाली बनाते हैं तो उसमें थोड़ी अलग शेप की यूज़ होती है। जी तो ये है कि चिली तो वैसे झटपट बनी जाती है, चाइनीज़ बनने में इतना टाइम नहीं लगता, बस ये है कि सब्जियाँ काटना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, फुर्सत निकाल के सब्जियाँ जो है हमें पहले काटनी पड़ती हैं। बाकी ये है कि बन तो फौरन ही जाता है। बाकी ड्राई चिली ये है कि काफ़ी मज़े की बनती है और आजकल तो मौसम भी ऐसा हो रहा है तो ऐसी चीज़ें खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। अब बच्चों की तो आपको पता है चाइनीज़ तो फेवरेट होते हैं। और वैसे भी विंटर्स में जो है सब्ज़ियाँ खाने में मज़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि विंटर्स में जो है बहुत सब्ज़ियाँ फ्रेश फ्रेश होती है और हेल्थ के लिए तो काफ़ी ही फ़ायदेमंद है सब्ज़ियाँ। लेकिन आजकल के बच्चों को बस चाइनीज़ वगैरह में अगर हम थोड़ी सी सब्ज़ी डाल दें मैक्रोनी नूडल्स इस तरह में तो भी बच्चे खा लेते हैं पिज़्ज़ा में, वरना अगर हम ऐसे कोई मिक्स सब्ज़ी बनाएँ तो बच्चे बिल्कुल जो है नहीं खाते। मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते, यहाँ तक कि मेरे बच्चे फ्रेश भी नहीं खाते, जो है मीट भी नहीं खाते, छोटे का गोश्त भी नहीं खाते, मटन भी नहीं, मतलब मटन पाए कुछ भी बना ले नहीं खाते, चिकन में भी सिर्फ लेग पीस लेते और कुछ भी नहीं। मतलब इतना मुश्किल हो जाता है मुझे बच्चों के लिए, जब मुझे कुछ बनाना होता है ना तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या बनाऊँ बच्चों के लिए। तो बस फ्रेंच फ्राइज़ दे दें मम्मा, फ्रेंच फ्राइज़ दे दें, बर्गर दे दें, नूडल्स बना दें, इनसे तो आपको पता ही है कि कोई पेट थोड़ी ना कोई भरता है। अच्छा अब मैं जो है गाजर जो है मैं उसके लिए काट रही हूँ, अपना इसके लिए फ्राइड राइस बनाऊँगी। तो फ्राइड राइस के लिए जो है मैं बारीक बारीक गाजर काटूँगी और हरी प्याज, ज़्यादा मैं जो है फ्राइड राइस में नहीं डालती, बस हरी प्याज और गाजर ही ऐड करती हूँ। गोभी वगैरह मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं डालती। और बाकी जो है ड्राई चिली में हम शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। तो बस ये 3 सब्जियाँ ही काटनी है। और आजकल जो है बस क्या कहें कि लोग
इस कदर, मतलब कहा जाए तो लोग इस कदर जो है परेशान है साहब, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई मसला लगा रही है ना। मतलब कुछ ना कुछ इंसान के पास कोई ना कोई टेंशन होती है, कोई बीमारी को लेके परेशान है, तो कोई घर सी वजह किसी बात से परेशान है, तो कोई किसी के पास क्या वजह। बस अल्लाह पाक जो है, मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलों को आसान करे, हम सबको जो है हलाल रोज़ी से नवाजे, और हमारे बच्चों के लिए जो है मामलात अच्छे करे। क्योंकि आजकल इतना जो है ख़राब दौर चल रहा है कि बहुत डर लगता है कि बच्चे बस सही राह पे चले और सही रास्ता चुने, अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जो है गुजारे, क्योंकि बहुत डर लगता है। लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए स्पेशली मुझे तो डर लगता है, क्योंकि हम कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही ज़माना ख़राब है, नहीं बल्कि मैं कहती हूँ कि लड़कियाँ अभी भी जो हैं हम घर में बिठा लेते हैं लड़कियों को, मार के पीट के डांट के। ज़्यादा टेंशन जो है ना इस वक्त इस दौर में हमें लड़कों की हो रही है कि बस लड़के ना भटक जाएँ, क्योंकि आजकल बहुत बहुत ख़राब माहौल चल रहा है। बस अल्लाह पाक सब बच्चों को जो है ना उनके माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, और उनके माँ बाप के लिए सदकाए जारियाँ हों। वो जैसे कि हम कल को अगर हम कुछ हो जाता है या हम नहीं रहते इस दुनिया में, तो पीछे हमारे जो है सदकाए जारियाँ हमारी औलादें बने। आमीन सुम्मा आमीन। बस यही दुआ मैं तो हर वक्त बैठे उठते यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को नेक हिदायत दे। हमें तो दे ही दे, लेकिन हमारे बच्चों को भी दे, और हमें भी जो है इस काबिल बनाए कि हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें, अच्छा जो है उन्हें माहौल दे सकें। हमारी हम पेरेंट्स की तो यही कोशिश होती है कि हम बच्चों को जो है अच्छे से तरबियत दें, खासकर लड़कियों की अच्छी सी तरबियत करें। मैं तो कहती हूँ कि लड़कियों की तरबियत के साथ साथ हमें लड़कों की तरबियत भी करनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम जो है गैर लड़की लेकर आते हैं, वो लड़की अपना घर बार अपने माँ बाप सबको छोड़ कर आ जाती है, और अगर हमारा लड़का उसे खुश ना रखे तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। आप समझे ना कि मतलब माँ बाप के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि हम किसी की लड़की को सुख नहीं, हमारा बेटा किसी की लड़की को सुख नहीं दे पा रहा। हमारी भी कोशिश होती है कि हमारी बेटियाँ जो हैं खुश रहें। तो जब हम भी किसी की बेटियों को लाते हैं तो हमारी भी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम भी अपनी बहुओं को बेटियों की तरह जो है वही खुशी दें जो हमारी बेटियों से हम चाहते हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है हर किसी को हिदायत दे हमारी बेटियों को, बेटों को, कि हमारी बेटियां जहां भी जाएं खुशियां बिखेर दें और अपने घर को घर समझें, और जो लड़की हमारे घर आए तो वो भी इस घर को घर समझ के जो है जन्नत बना दे। कहते हैं ना कि औरत ही घर को जन्नत भी बनाती है और जहन्नुम भी बनाती है। तो बस अल्लाह पाक जो है लड़का लड़की दोनों के नसीब अच्छे करे और दोनों के हक़ में जो बेहतर हो वो करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग भी मुझे बताया करें कि मैं किस तरह की वीडियोस आपके लिए लाऊं, आप लोगों की आपको जो है किस तरीके की वीडियोस पसंद है, कुकिंग की, रूटीन की। मेरी तो कोशिश यही होती है कि जितना भी हो सके मैं अच्छे से अच्छा जो है आपके साथ रेसिपीज़ को है, अपनी रूटीन को है, अच्छे से अच्छे शेयर करूँ। और बस यही हमारी तो यही कोशिश होती है कि हम जो है अच्छे और बेहतरी की तरफ काम करें और अच्छे से काम करें। और ये जो है मेरे गाजर तकरीबन कट चुके हैं, बस एक गाजर रहता है और हरी प्याज भी रहती है। तो ये है कि बस हम जल्दी जल्दी जो है ऐसे वाइंड अप करें, फिर अभी बच्चे भी आ जाएंगे मदरसे से, तो फिर उन्हें डिनर भी देना होगा। लंच में तो मैंने उन्हें बिरयानी मंगा के दे दी थी, खा ली थी बेचारों ने, लेकिन अब जो है कह के गए मामा आप जो है डिनर तैयार करके रखिएगा, हम आके खाएँगे, क्योंकि फिर कल उनका पेपर भी है और उनको पढ़ाना भी है। बस अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे हर उनके जो है इम्तिहानों में, अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोबारा से हमारा फेस चला गया और लाइट चली गई, ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई व्लॉग, और अंधेरे में जो है अभी बस मेरे हस्बैंड काम ही करवा रहे हैं। तो ये कि अब वो आपको यहीं एंड करते हैं, आई होप।